दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस के घर के कंटेस्टेंट सौंदर्य शर्मा के बारे में, जो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हैं। सौंदर्य शर्मा एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और इनके इंस्टाग्राम पर 5.5 मिलियन तक के आसपास फॉलोअर्स भी हैं। शो में आने के बाद ही खुद को सुर्खियों में कैसे रखना है, सौंदर्य शर्मा ने इस बात का पूरा ख्याल भी रखा है और एक भी मौका नहीं छोड़ती फैंस के बीच में अपनी अलग पहचान बनाने की। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म दिल्ली में 20 सितंबर 1994 को हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग से लेकर कॉलेज की पढ़ाई सब कुछ दिल्ली से ही की है। ये पढ़ने में भी अच्छी थी। इन्होंने स्कूल खत्म होने के बाद डेंटल कोर्स में एडमिशन लिया और अपनी डेंटल की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने अपने प्रोफेशन को कुछ दिन तक जारी रखा, यानी इन्होंने दिल्ली में एज अ डेंटिस्ट कुछ हॉस्पिटल्स में काम भी किया। लेकिन ये सब करते करते ये बहुत जल्दी बोर हो गई और इन्हें लगा कि आप किसी और फील्ड में ट्राई करते हैं, जिसके लिए इन्होंने बॉलीवुड में हाथ आजमाने की सोची और ये मुंबई आ गई। इन्होंने एक्टिंग की क्लास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीखी, जिसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी और भी कई छोटे बड़े एक्टिंग वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद इन्हें कई ऑफर भी आने लगे। ये कई एड और मैगजीन्स का हिस्सा भी रह चुकी हैं। कई मैगजीन्स ने इन्हें अपने फ्रंट पेज पर भी कवर किया है। ये इस बीच कई सारे ऑडिशन भी देती रहती थी, लेकिन कहीं भी वैसी सफलता हाथ नहीं लग रही थी जैसी ये पाना चाहती थी। लेकिन इन्होंने अटेम्प्ट जारी रखा, जिसके बाद इन्हें रक्तांचल जैसी ओटीटी सीरीज में सबसे पहले एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें इन्हें लीड एक्ट्रेस का रोल करने का मौका मिला था, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया भी। इन्हें रांची डायरीज में भी बतौर एक्ट्रेस देखा गया है। रांची डायरीज इनकी एक हिंदी फीचर फिल्म है जो साल 2017 में आई थी और इनमें इनके काम को काफी पसंद भी किया गया था। यहाँ तक कि इन्हें झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अवार्ड से सम्मानित भी किया। इन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी किस्मत आजमाई है। इन्होंने हॉलीवुड की मूवी द वंडर वुमन के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया। इन्हें भोजपुरी के दबंग कहे जाने वाले पवन सिंह के साथ तुमसा कोई प्यारा के रिमिक्स में भी एक्टिंग करते हुए देखा गया था। इन्होंने साल 2018 में लोकमत मोस्ट स्टाइलिश डिवा का अवार्ड भी जीता और इसके साथ ही इन्होंने 2019 में दादा साहेब फाल्के फेस ऑफ का खिताब भी अपने नाम किया है। सौंदर्य बिग बॉस के घर में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की हर संभव कोशिश करती हैं। फिर चाहे वो घर के किसी मुद्दे पर अपनी राय रखना हुआ हो या कोई टास्क करना हुआ, सौंदर्य हर एक्ट में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। शो के पहले दिन से ही सौंदर्य जिस तरह से घर में हर किसी के साथ बॉन्डिंग्स बनाती हुई और लोगों के साथ इंटरेक्शन बनाती हुई देखी जा रही हैं, वो फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है। इस शो में लड़ाई झगड़े और प्यार तो चलते ही रहते हैं और जिस पर सलमान खान समय समय पर कंटेस्टेंट को समझाते हुए भी नजर आते ही रहते हैं और गलत होने पर उन्हें उनकी गलती का एहसास कराते हुए भी देखे जाते हैं। इसी की वजह से फैन भी इनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को जानना और सुनना चाहते हैं। तो आपको सौंदर्य की घर में इन्वॉल्वमेंट